द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है। हर कोई अपने अपने तरीके से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भाजपाइयों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, लेकिन भाजपाइयों की करतूत हमेशा से वायरल हो जाती है। इस बार बाबा साहेब की जयंती सेलिब्रेट करने के चक्कर में भी भाजपाइयों की अनोखी अनोखी हरकतें वायरल होने लगी हैं, जिस पर पूरा देश हंस रहा है। कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं और लोगों ने उन पर जो कमेंट किया है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। एक भाजयुमो की महिला नेता है, उनके प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे तो काफी पढ़ी लिखी है, लेकिन बाबा साहेब की जयंती मना रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि बाबा साहेब कौन थे। और इसकी जगह उन्होंने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर साझा कर उनकी जयंती सेलिब्रेट करते हुए बाबा साहब को लेकर शब्द लिख डाले। मोहम्मद जुबैर ने तस्वीर साझा की है, जरा आप अपने स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर ने जो तस्वीर साझा की है काशी रेड्डी सिंधु की, उसे देखिए। इस तस्वीर में आपको काशी रेड्डी सिंधु जिस प्रतिमा के आगे खड़ी है वो क्या आपको बाबा साहेब अंबेडकर नजर आ रहे हैं? ये स्वामी विवेकानंद है और इनकी दो तस्वीरों को इन्होंने साझा किया। एक तस्वीर है जो 12 जनवरी 2022 को काशी रेड्डी सिंधु ने साझा किए थे, इसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती सेलिब्रेट करते हुए तस्वीर क्लिक करवाई और लिखा, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, रिमेम्बरिंग स्वामी विवेकानंद ऑन हिज जयंती। ये पिछले साल की तस्वीर हो गई। अब इसी फोटो को दोबारा इन्होंने शेयर कर दिया और इस बार इन्होंने विवेकानंद को अंबेडकर जी बना डाली। इसमें इन्होंने वही तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अंबल ट्रिब्यूट्स टू डॉक्टर अंबेडकर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी बाय रिमेंबरिंग हिज एंडलेस कंट्रीब्यूशंस टू द बेटरमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हिज कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अब बताइए, ये अंबेडकर जी और विवेकानंद जी में फर्क नहीं समझ पाई है। इसी तस्वीर को लोगों ने साझा करना शुरू कर दिया। अब ये भाजयुमो की नेता है, महिला सेल की कन्वेनर लिखती हैं, जरा इनकी प्रोफाइल को भी आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये अगर पढ़ी लिखी भी हैं तो नैतिकता का पाठ शायद इन्होंने नहीं पढ़ा, समाज सेवा का पाठ नहीं पढ़ा। बड़ी बड़ी बातें लिख देना और महापुरुषों को नहीं पहचान पाना क्या भाजपाइयों की आदत हो गई, या फिर उनकी इज्जत नहीं करना ये भी उनकी आदतों में शुमार है? क्योंकि काशी रेड्डी सिंधु रेड्डी, इनके प्रोफाइल को हमने जब ट्विटर पर देखा, आप भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, को कन्वेनर स्टेट वुमेन डेवलपमेंट से BJYM यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा, और तेलंगाना में है, निफ्ट ग्रेजुएट है, फ्रेंडली नेबरहुड पॉलिटिशियन ऑन अ मिशन टू बीच ऑन KCR एंड कंपनी। अब इनके पास जो मिशन है, मिशन देख लीजिए, KCR को सत्ता से उखाड़ फेंकना इनका मिशन है, और ये महिला सेल में है, भाजयुमो से जुड़ी हुई है, और इनके विचार तो अद्भुत है। और जब बड़ी बात तो यह है कि जब उनकी गलती पकड़ी गई तो उन्होंने उसको गायब करके फिर से तस्वीर डाली, इसमें अंबेडकर साहब दिखाई पड़ रहे हैं और फिर अंबेडकर साहब के लिए अपने विचार उन्होंने व्यक्त कर दिए। तो यह है भाजयुमो का खेल। इसमें अगर आप ट्विटर को खंगालेंगे तो कई ऐसे नेता मिल जाएंगे जिनकी तस्वीर वायरल हो रही होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले अनोखी हरकत करने के लिए जाने जाते हैं। अब इसी संबंध में एक और ट्वीट वायरल हो गया जिसे लोग देखकर खूब हंस रहे हैं और तंज कस रहे हैं, दुख भी व्यक्त कर रहे हैं। यह तस्वीर पुरानी है, हर साल अंबेडकर जयंती पर वायरल हो जाती है। इसमें एक पोस्टर आप अपने स्क्रीन पर देखिए, योगी आदित्यनाथ दिखाई पड़ेंगे, अंबेडकर जयंती लिखा हुआ है, हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं माननीय सत्यदेव पचौरी जी, और बाकी लोगों की तस्वीर है, प्रधानमंत्री भी हैं, अमित शाह भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, तमाम ऐसे नेताओं की तस्वीर इसमें आपको दिखाई पड़ जाएगी, राजू भैया हैं और इस तरफ भी अलग अलग लोग हैं। इसमें गौर जो आप कीजिएगा, सौजन्य से श्री बालाजी मिनरल वाटर अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर पर कहीं भी आपको अंबेडकर साहब दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब जरा सोचिए कि इतने बड़े पोस्टर में तमाम भाजपाइयों ने अपने चेहरे को भर दिया और बाबा साहेब का जिक्र करना ये लोग भूल गए। बाबा साहेब का बस नाम लिख दिया कि अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, उनकी तस्वीर कहीं है ही नहीं, जबकि एक बड़ी सी तस्वीर उनकी लगाते और सेलिब्रेट करते तो लोग कहते हैं कि हाँ, आपने बाबा साहब की कद्र की है।
यहाँ पर देखिए भाजपाइयों को अपना चेहरा चमकाने से फुर्सत ही नहीं। तभी तो राहुल गांधी 2.0 ने इस पर लिखा है, बाबा साहेब अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं, होर्डिंग में थोड़ी और जगह होती तो बाबा साहेब भी आ जाते। और इस पर लोगों ने फिर तंज कसना शुरू कर दिया। ये पुरानी तस्वीर है तो पुरानी तस्वीर भी वायरल हुई है स्क्रीनशॉट के साथ में। अभिषेक सिंह पटेल ने शेयर करते हुए इसी तस्वीर को लिखा था कि आज एक होर्डिंग देखी, सोचा मैं भी मन की बात कर लूं। रेडियो कार्यक्रम विविध भारती की भाषा में कहा जाए तो इसमें राजू, गुड्डू, ननकू, लोटन, फेकू और उनके सारे दोस्त नजर आ रहे हैं, सिर्फ बाबा साहेब ही नहीं। जब अंबेडकर और पटेल एससी ओबीसी को मानते ही नहीं हो तो उनके नाम पर विधवा विलाप क्यों? और इस तरीके से लोगों ने उनको नसीहत देना भी शुरू किया कि ऐसे पोस्टर बनाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आप अंबेडकर साहब की कदर नहीं करते। वैसे कई ऐसे संघी मानसिकता वाले भाजपाई नेता हैं जो गांधी की कदर नहीं करते, गांधी को नहीं मानते, उन्हें गोडसे ज्यादा पसंद आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अंबेडकर जयंती मना रहे हैं तो उन्हें कहां फिक्र होगी कि अंबेडकर साहब उस तस्वीर में है भी या नहीं है। लेकिन मिनरल वाटर वाले भाई साहब ने तमाम चेहरों को चमका दिया है और इसमें अंबेडकर साहब को डालना ही भूल गए, तो हंसी के पात्र तो निश्चित तौर पर बनेंगे ही। और इसी को लेकर लोग तंज कसने लगे। हम आपको और दिखा रहे हैं कि क्या क्या लोगों ने टिप्पणी की है। काशी रेड्डी सिंधु हैं जिन्होंने विवेकानंद की तस्वीर को साझा करते हुए माल्यार्पण कर दिया और फिर प्रणाम करते हुए उन्हें अंबेडकर साहब बता दी और अपने अनमोल विचार व्यक्त कर दिए। उनको लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं, दिस इज द रीजन व्हाई बाबा साहेब वांटेड एवरीवन टू बी एजुकेटेड। तंज कसते हुए काशी रेड्डी पर लोगों ने लिखना शुरू किया कि इसलिए तो बाबा साहब कहते थे कि सबको पढ़ने की जरूरत क्यों है, सबको पढ़ना चाहिए, एवरीवन शुड बी एजुकेटेड। अब ये पढ़ लिख कर जब इतनी बड़ी गलती कर रही है तो जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो तो और भी ब्लंडर करेंगे ना। इस वजह से टीका टिप्पणी शुरू हो गई। वैसे भी भाजपाई हो या संघी मानसिकता वाले हो, वो अंबेडकर साहब की कद्र कितनी करते हैं इसको लेकर एक खबर फरवरी में आई थी कि अंबेडकर भवन में उनके सामने शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, जबकि अंबेडकर साहब मूर्ति पूजा के विरोध में थे, वो बौद्ध धर्म अपना चुके थे। और ऐसे में अंबेडकर साहब की भावनाओं को, उनके विचारधारा को सबको दरकिनार कर उनके ही सामने शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, जिसका काफी विरोध भी हुआ था। आप जो अपने स्क्रीन पर वो तस्वीर भी देख सकते हैं कि कुर्सी पर बाबा साहेब बैठे हुए, उनके स्टेच्यू है और सामने शिवलिंग भी स्थापित की गई है। इसको लेकर खूब बाबेला मचा था, खूब लोग कमेंट किए थे, जिसमें यह खबर भी इसमें डिटेल में बताया गया था कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शिवलिंग। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है और इसकी देखरेख इसी मंत्रालय के द्वारा की जाती है। सवाल यह है कि परिसर में कर्मकांडी आयोजन की अनुमति कैसे दी गई। गत 18 फरवरी 2023 को शनिवार को दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर परिसर में वह नजारा सामने आया जिसके विरोध में डॉक्टर अंबेडकर ने आजीवन संघर्ष किया। दरअसल परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के ठीक सामने महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया और प्रतीक स्वरूप फूल का शिवलिंग स्थापित किया गया था। इसको लेकर वहां पर काफी विरोध देखने को मिला। सोशल मीडिया पर बौद्ध धर्म को मानने वाले, अंबेडकर साहब के विचारधारा को फॉलो करने वाले लोगों ने जमकर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि जब अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, वो बौद्ध हो गए थे, उनके साथ लाखों लोग ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो ऐसे स्थिति में आप एक तरफ अंबेडकर भवन का भी निर्माण कराते हैं, उसमें सामाजिक कार्य की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ फिर से शिवलिंग वहां उनके सामने रखकर कहीं ना कहीं अंबेडकर साहब का अपमान भी कर रहे हैं। इस मामले में सांसद उदित राज ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने जो कहा था, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, उनका कहना था कि यह अंबेडकर की पूरी वैचारिकी को पलट देने की आरएसएस भाजपा की साजिश है। यह बेहद निंदनीय है कि जिस महामानव ने समाज को पाखंड मुक्त और समता मूलक बनाने के अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज उनके ही नाम पर बने संस्थान में उनके ही प्रतिमा के आगे इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। तो लगातार लोग इस पर विरोध करते रहे थे और अब देखिए कि अंबेडकर साहब की जयंती मनाने वाले ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता या अलग अलग संगठन से जुड़े लोग विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं और जयंती अंबेडकर साहब की मना रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? सोच पर भी हैरानी होगी। और फिर भारतीय जनता पार्टी के मन में अंबेडकर साहब के प्रति कितनी इज्जत है और कितना वो विश्वास करते हैं, कितना उन्हें जानते हैं, वो सब इसमें दिख जाता है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।